जल्दी से ले आओ। नहीं पहुंचा जाता, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं आती ना। अच्छा, आप कौवे वाली कहानी सुना दे जल्दी से। एक कौवा था। Those who try never fail. It's a mantra 35-year-old Mona Agarwal lives her life by. शाबाश। Mona was born in India's Rajasthan state in 1987. The preference for a male child was the norm. And gender stereotypes deeply rooted. Girls were seen as a burden to be married off. जब मैं पैदा हुई उस समय गर्ल चाइल्ड्स का बहुत ऐसे था कि बहुत ज्यादा गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, तो मेरी मम्मी को पहले से, मतलब मेरी बड़ी दो बहनें हैं, फिर जब थर्ड टाइम मेरी मम्मी ने एक्सपेक्ट किया तो इट इज़ लाइक कि हाँ बेटा होना चाहिए। घर में सबकी एक्सपेक्टेशन इस तरह थी, क्योंकि उस समय मतलब उतना फाइनेंशियली उतना नहीं था, तो ऐसे था कि दो दो बच्चियाँ हो गई है और कैसे करेंगे, तो सबका ऐसे था कि फिर से मतलब लड़की हो गई, लड़का होना चाहिए था। और फिर आफ्टर बर्थ मेरे को 9 मंथ के बाद में पोलियो हो गया, तो एक बार के लिए, मतलब ये मैंने सुना है, मैंने फील नहीं किया, कि घर में सबका मूड ऐसे हो गया था कि इसको कैसे, इसकी टेक केयर करेंगे, मतलब ये इतना ट्रबल में रहेगी, कौन इसका परमानेंट ध्यान रखने वाला होगा, ये सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, इस तरह से। तो मेरी दादी ने इनिशिएटिव लिया, बोले चाहे कैसे भी होगा मैं इसको संभालूंगी। तो हालांकि फैमिली में सब ने किया, बाय बाय, तो जिसे जो पता चलता था वो मेरा ट्रीटमेंट करवाते थे। और फिर मेरी एक ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट की मेरी दादी ने कि हाँ इसे फाइट करने के लिए तैयार करना है, तो जो मैं आज हूँ उनकी वजह से। द पोलियो वायरस, नाउ इरैडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, इन्फेक्टेड मोना'स स्पाइनल कॉर्ड, लीडिंग टू पैरालिसिस इन हर राइट लेग। Rather than letting her disability and circumstances define her, Mona used her unwavering determination to limit its impact on how she lives her life independently. Joint family में रहते थे। एक example देते, मेरे को एक छोटा सा किस्सा याद है मेरे बचपन का। मैंने मेरी चाची को बोला, मेरे को रात को सर्दियों में सोना था, तो मैंने मेरी चाची को बोला कि चाची मुझे कंबल ला दो, मेरे को सोना है। तो चाची ने कहा हाँ थोड़ी देर में ला दूंगी। मैंने दोबारा बोला तो बोले हाँ थोड़ी देर में ला दूंगी। तो मेरी दादी ने सुन लिया, दादी आई, दादी ने उनको डांटा, बोले, उनको कुछ नहीं बोला, उनको बैठा खड़ा किया। फिर मेरे को बोला कि एक काम कर, हमारे क्या बड़ा घर था, जॉइंट फैमिली है, तो जिस रूम में सारे कंबल रखे हैं, मेरे को बोला कि तू लेके जा और चाची के रूम में रख के आ, जितने उनके रूम में चाहिए उतने। तो मैं घुटनों के बल, जैसे छोटे बच्चे स्क्रोल करते हैं, मैं वैसे गई। मेरे लिए मेरी दादी का स्टेटमेंट फुल एंड फाइनल था। मुझे नहीं पता फिर मैं वो काम कैसे करूंगी, मगर मुझे करना है, बिकॉज उन्होंने कह दिया ना, तो अब वो काम मुझे करना है, कैसे भी करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कैसे करूंगी। तो मैं स्क्रोल करी, मैंने ब्लैंकेट को अपने बैक पे रखा और स्क्रोल करके मैं चाची के रूम में रख के आई, दूसरी चाची के रूम में भी रख के आई। फिर मेरी दादी ने मेरी चाची को बोला कि आप लोग सब इसके लिए क्या कर पाते हो क्या नहीं, ये फ्यूचर है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सब कुछ कर सकती है, ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो उनकी वो स्टेटमेंट्स जो वो मेरे लिए बोलते थे या देते थे ना, उससे मेरे को ऐसे लगता था कि हाँ, मुझे अभी भी ऐसे नहीं लगता कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, जो भी है मैं कर लूंगी। That belief led a young Mona to start earning for herself when she was in grade 11. There were difficulties in convincing her family, but higher education and success in the corporate world followed, as did marriage and 2 children. 2015 में तो प्राइवेट जॉब का भी मेरा जो ग्राफ था वो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन वही मेरे को क्या है, कम्फर्ट जोन जब आने लगता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से एक चैलेंज चाहिए। तो जब मुझे लगा कि मैं प्राइवेट जॉब में बहुत सक्सेस हो रही हूँ, बहुत कम्फर्ट जोन मिल रहा है मुझे, मेरी कंपनी का बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ और डिफरेंट करना है। प्राइवेट सेक्टर में आपके, मतलब हमारे जैसों के लिए, डिसेबल चैलेंज्ड के लिए 1 लाख सैलरी मंथली होना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, तो मैं वो भी करके आई। और फिर यहाँ आई, यहाँ आने के बाद में मुझे लगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो एनीवेज चाहिए ही, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। आई गॉट अ जॉब, मुझे सेशन कोर्ट के अंदर LDC की जॉब मिली, कि एक फिक्स जॉब है ऐसा। और फिर मैंने स्पोर्ट्स में करियर स्टार्ट किया।
आई फाउंड कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि नहीं बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है. फिजिकली चैलेंज है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसका सपोर्ट मिलेगा, कौन देखेगा, कैसे मतलब आगे बढ़ोगे, रहने की व्यवस्था कहाँ होगी. तो आई थॉट कि ठीक है मुझे करना है. तो मैंने एथलेटिक्स भी खेला, मैंने पावर लिफ्टिंग भी खेला और वॉलीबॉल के लिए मैंने टीम क्रिएट करी है इंडिया की. मैं फाउंडर प्लेयर हूँ गर्ल्स टीम के लिए वॉलीबॉल की. तो कोशिश हमेशा मेरे को ऐसे लगता है कि कुछ नया करने की करते रहना चाहिए. In December of 2021, Mona was able to zero in on a sport that challenged her. She started training at a shooting academy in Jaipur city, where her first coaches saw her potential. Her target was to excel at rifle shooting. Quite quickly, the medals started coming in on the state and national level competitions. Her first international medal came in at the Osijek 2023 WSPS World Cup, a bronze in the R10 10 meter air rifle standing mixed team SH1 event. Paralympic ka dream hai mera, to 2024 mein mujhe Paralympics tak pahunchna hai. लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 10 मीटर का एक ही इवेंट है, क्योंकि 50 मीटर के इवेंट के लिए मेरे पास अभी वेपन नहीं है. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं 2028 तक मतलब 50 मीटर राइफल से भी अपनी जो मेरे जो मेन चार इवेंट हैं वो चारों इवेंट वहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ. तो मतलब 2028 में मैं मेरे चारों इवेंट अगर पैरालंपिक्स में खेल सकती हूँ तो मेरा यही मतलब टारगेट है. For Mona to realize the Paralympic dream, there is a long way to go. For India though, that dream came true in 2020. Manish Narwal brought in gold in the mixed 50-meter pistol SH1 event. And Avni Lekhara came out tops in the women's 10-meter air rifle standing event at the Tokyo Paralympic Games. Not just that, Indian parachuters had won over 120 international medals by June 2023. India has held the world number one spot in parachuting too, out of the 50 plus countries who participate in the sport. And all of this happened in a span of just 8 years. Even though a small number of parachuters, largely unsupported, had been participating in global events since the 1990s. Just like the surge in medals, there's been a surge in the number of aspiring parachuters. They typically start in frugal shooting academies like this one, and their first test is in the art of patience. शांत स्वभाव का आदमी इसको बहुत अच्छे से कर पाता है, और कंसंट्रेशन पावर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है. फिजिकली फिटनेस इतना मायने नहीं रखता जितना कि इसमें मेंटली फिटनेस या मेंटली स्ट्रॉन्गनेस जो मायने रखता है. इसलिए इसमें आदमी को बिल्कुल शांत स्वभाव का होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए आदमी के अंदर, क्योंकि बाकी गेम्स की तरह ऐसा नहीं कि हमने ताकत लगा दी और हम सबसे आगे दौड़ के आ गए. इसमें तो सिर्फ पेशेंस है और माइंड हमारा सही से काम कर रहा है, प्रेजेंट माइंड से हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ही अच्छा रिजल्ट आता है. इन द इनिशियल डेज ऑफ ट्रेनिंग समटाइम्स देयर इज नो शूटिंग इन्वॉल्वड एट ऑल. एथलीट्स आर आस्क्ड टू सिंपली होल्ड द वेपन इन पोजीशन फॉर आवर्स. The focus is on building stability and muscle memory. It's about learning breath work and understanding when you hit the target closest. It can take years to build the winning combination of skill, determination, and mental discipline. The best from the country land up here after various stages of filtration. This shooting range in New Delhi was built for the 9th Asian Games in 1982. It's been rebuilt and updated over the years by the Sports Authority of India.
and it's where the Indian contingent of parachuters trains ahead of any major international event. From about 35 parachuters in the 1990s to 800 qualified parachuters today, this is where the glory of Indian parachuting has been in the making from scratch. बेसिकली जो 2016 से मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने हर फ्रंट पे किया कि सबको जो है इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले कि भाई हमारे कंपटीशन कहाँ कहाँ हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हमारी मेडिकल कैटेगरीज अलग अलग हैं तो मेडिकल क्लासिफिकेशंस क्या होता है. शूटिंग जो है मेजरली थोड़ा सा कॉस्टली स्पोर्ट्स तो है, तो हम उनको उस एंगल पर भी बताते हैं कई लोगों को. कई लोग एलिजिबल होते हैं पर लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम में नहीं आ पाते हैं और हम लोग उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकते हैं क्योंकि एक पिस्टल जो है करीबन 2 लाख रुपए की आती है, एक राइफल 3.5 लाख रुपए का आता है. A new approach to sports administration has built trust and governments at the state and national level have introduced policies to support these athletes. एक रीज़न तो यह है कि ये जो है ना इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो इसमें आप डिपेंडेंट नहीं हो टीम पे, तो आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना जो है क्या बोलना चाहिए डिलीवर करोगे, यू विल बी रिवार्डेड फॉर दैट, यू विल गेट मेडल्स, यू विल गेट एक्लॉड्स. दूसरी चीज़ क्या है कि पैराशूटिंग जो है कुछ कंपनीज़ ने, कुछ गवर्नमेंट्स ने उसको जो है एट पार लिया है टू एनी अदर स्पोर्ट्स, तो बच्चों को जो है कैश रिवार्ड्स बहुत अच्छे मिलने लगे हैं. आपको मैं थोड़ा एक फिगर दे सकता हूँ कि करीबन हमारे पास जो है अभी 83 से 84 बच्चे जो है वो सरकारी नौकरियों में, तो उसमें क्या है कि लोगों का एक इंटरेस्ट बन गया कि ये भी एक करियर परस्पेक्टिव से ये हमारे पास जो है एक अच्छा साधन है कि हम अपनी शूटिंग भी करें और हमें कैश रिवॉर्ड्स भी मिलें या हमें नौकरियां भी मिलें और हमें स्पॉन्सरशिप भी मिले. डिस्पाइट द पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी मेड देयर आर हर्डल्स फॉर पैरा एथलीट्स. व्हाट हेल्प्स इज देयर मेंटल स्ट्रेंथ दैट्स बिल्ट ओवर द इयर्स एज दे नेविगेट लाइफ एंड द एटीट्यूड ऑफ अदर्स टुवर्ड्स देम. तो क्योंकि एक जो दिव्यांग है वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेसिबिलिटी की बहुत इशू है कि इवन आप टॉयलेट जाएंगे वो एक्सेसिबल नहीं है, आप बस में जाना चाहोगे वो एक्सेसिबल नहीं है, इवन जो है लोगों के दिमाग एक्सेसिबल नहीं है. हम जैसे ही किसी दिव्यांग को देखते हैं तो हम फट से उसको जज करना शुरू कर देते हैं, हम जो है फट से उसके लिए बेचारगीपन आ जाता है या फट से हम उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं. तो मुझे लगता है कि वो जो है जो इंडिविजुअल है वो तो एक ह्यूमन बींग ही है, दिल उसका वही है, दिमाग उसका वही है, तो उसको भी दूसरे की आंखें समझ आती हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है या ये मुझे थोड़ा सा नफ़रत के भाव से देख रहा है या ये बेचारगी के भाव से देख रहा है, प्यार से तो नहीं देख रहा है. तो फिर क्या होता है कि वो उससे फाइट करते हैं, तो यानी वो और डिटरमाइंड हो जाता है कि ये काम तो मुझे करना है. तो मेरे लिए यहाँ आसान हो जाता है एज ए कोच कि जो है डिटरमिनेशन मुझे जल्दी से इनमें लाने के लिए वो एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, जल्दी अपने आप ही ये डिटरमाइंड होते हैं कि मुझे ये तो करके दिखाना है, तो वो मेरे लिए फ़ायदा हो जाता है. रुद्रांश खंडेलवाल इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट डिटर्मिनेशन. ही इज 16 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ पैराशूटर इन 2016. मेरे एक्सीडेंट को 1 साल हो चुका था और मेरी मम्मी को लगता था कि अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगा, तो उन्होंने मुझे शूटिंग स्टार्ट करवाया. पहले मेरा मन नहीं लगता था पर इवेंचुअली मैं करता रहा प्रैक्टिस से मम्मी के कहने पर. मेरा पहला मेडल कुछ 9 महीने बाद आया और फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद ये स्पोर्ट्स मेरे लिए है और मैं इसमें कुछ अचीव कर सकता हूँ. मैं प्रैक्टिस करता रहा, अगले साल एक और मेडल आया, फिर एक और मेडल आया, पर फिर मेरा एक एम बन चुका था कि मैं इंडियन शूटिंग टीम में आऊं, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं. पर उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मुझे 8 साल लगे और इस साल 2023 में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ चेंगमोन में और मैंने कंट्री को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया. उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया पर मुझे पता था कि मैं अभी थोड़ा डाउन हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने फिर और मेहनत करी. उसी जगह एक वर्ल्ड कप हुआ, मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने और अभी भी
अचीव करना बहुत बाकी है। अभी मेरा एशियन गेम्स में भी सिलेक्शन हो चुका है, लीमा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन है। अब मेरा एम है कि मैं कोटा लूँ अपनी कंट्री के लिए, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूँ पैरालंपिक्स में, और खेलता रहूँ और खुश रहूँ। Rudransh was barely 10 when in a freak accident a confetti machine exploded at a wedding he was attending. The metal shrapnel cut through his thigh bone. The blood loss was almost fatal. Rudransh's parents made the difficult decision of amputating their son's leg. Accident hua tha 2015 mein. Main 3 mahine ke liye bed rest pe tha. School jaane mein thodi dikkat aati thi. Walker pe main chalta tha. पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब मेरे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं पीछे रह गया ऐसा कुछ। स्पोर्ट्स जैसे एक रहता था कि बच्चों का खेलना रहता है, तो मुझे मैं खेल नहीं पाता था उस तरीके से। मेरे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे अगर मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरा रनर कोई और होता था, मैं ऐसे खड़ा रह के बैटिंग करता था। तो मुझे सपोर्ट्स हमेशा मिली है, तो कभी मैंने पीछे नहीं देखा। और एक तो ये भी है कि मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ या फिर मैं उसे मैं डाउन चला जाऊं। मतलब जो भी है अच्छा है, एक्सीडेंट की वजह से कहीं ना कहीं मैं शूटिंग में आया और मुझे शूटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। और अगर जैसे मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता, मैं एक नॉर्मल होता स्टूडेंट जो बस 12th और JEE IIT की तैयारी कर रहा होता, पर अब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इट्स ऑल गुड। The performance of the Indian parachuting team, in fact, is more than good, has never been better. But there's room for improvement in areas that can help them aim for gold more confidently. शूटिंग के अंदर एक एक छोटे से छोटा इक्विपमेंट्स भी है जो वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। मेरी व्हीलचेयर 60,000 की है और वो भी अभी मतलब यूँ है कि अब इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट 3.5-4 lakh की व्हीलचेयर परचेज करनी पड़ेगी नेक्स्ट के लिए। वेपन्स को आप जितना ज़्यादा मॉडिफाई करते जाओगे उतना अच्छा है। तो मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, मुझे लोन वगैरह लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब मेरे पास है लेकिन अभी उसमें इनिशियली, जैसे मेरी 2 साल पहले की जॉब है तो सैलरी मेरा बहुत कम है। अभी प्रोबेशन होता है हमारे यहाँ राजस्थान में, तो वो 2 साल का प्रोबेशन कम्प्लीट होने के बाद सैलरी फुल आने लगेगी, तो अभी 13,000 रुपये आते हैं, तो उसमें तो मेरा घर खर्चा भी नहीं निकलता। और मेडल्स वगैरह के पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट टाइम पे देती नहीं है, वो 3 साल 4 साल 5 साल में आते हैं, तो अभी तक मेरे पास एक भी पैसा आया नहीं है। तो वो जो डिले हो रहा है ना, उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बताते हैं उनके पास अकोमोडेशन के लिए भी कुछ नहीं था, और वो कैसे अपने शूटिंग को करते थे अपने स्ट्रगल्स के साथ। तो इम्प्रूव हो रहा है, पर अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स बाकी हैं। जैसे अभी हमको इंटरनेशनल्स के लिए भी, वीज़ा के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एयरपोर्ट पे जब हम वेपन्स लेके जाते हैं उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जबकि हमारा हर महीने जाना होता है फिर भी। तो ठीक है, वो हो जाएगा, इम्प्रूव होगा धीरे धीरे, होप तो। कोई इसके एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसमें कोच को कुछ नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मुझे लगता है कि अगर कोचिज़ को भी देना शुरू करेंगे तो हमारे पास जब कोचिज़ बढ़ेंगे डेफिनेटली जो है हमारे पास एथलीट्स के पैराशूटिंग के नंबर डेफिनेटली बढ़े। द डेडिकेशन ऑफ द इंडियन पैराशूटिंग टीम कंटिन्यूज इवन एज दे ओवरकम द चैलेंजेस दे कंटिन्यू टू फेस। ऑल देयर एनर्जीज आर नाउ फोकस्ड ऑन परफॉर्मिंग वेल एट द हैंगझो एशियन गेम्स, वेयर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस विल बी इन प्ले, बिकॉज दीज पैराशूटर्स आर होपफुल ऑफ नथिंग एल्स बट एमिंग फॉर गोल्ड।